दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच की सुबह भी सस्ते में कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए तो पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया। यहां तक कि दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी रोहित शर्मा पर भड़क गए और अब रोहित को कप्तानी से हटाने तक का ऐलान करते हुए उन्होंने जो कुछ भी कहा उनकी बातें रोहित के चाहने वालों को कतई पसंद नहीं आएंगी। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर खुद महेंद्र सिंह धोनी, केविन पीटरसन से लेकर सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग ने क्या कुछ रोहित को लेकर कह दिया, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित कोहली और धोनी में कौन सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया 2 फरवरी की सुबह विशाखापट्टनम के VDCA क्रिकेट स्टेडियम में एक नया इतिहास लिखने के इरादे से उतर चुकी थी। सामने खड़ी थी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, उनका कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। पूरा स्टेडियम इस टेस्ट क्रिकेट का जबरदस्त घमासान देखने के लिए खचाखच भरा हुआ था। मैदान में आते ही किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की, सिक्का उनके पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी। उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर एक जुझारू पारी खेली। इंग्लैंड के गेंदबाजों को पहले 1 घंटे में कोई सफलता हासिल नहीं होने दी और यशस्वी के साथ मिलकर 40 रनों की साझेदारी को अंजाम दे दिया था। वो शानदार 14 रन बना चुके थे, ऐसा लगा था कि आज उनके बल्ले से बड़ी पारी देखने को मिलेगी। लेकिन एक बार फिर रोहित अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। 18वां ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट शोएब बशीर की 3री गेंद पर रोहित गलती कर बैठे और गेंद लेग साइड में खड़ी स्लिप के हाथों में चली गई और कप्तान रोहित को मजबूरन पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद तो पूरे स्टेडियम में मायूसी छाई हुई थी। आखिर हो भी क्यों ना, डेब्यूटेंट गेंदबाज ने कप्तान रोहित का विकेट चटका दिया था। इसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान निराश था, हर कोई उनसे नाराज था क्योंकि उन्होंने एक बार फिर बड़ी पारी खेलने का मौका गवा दिया था। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकल कर सामने आए हैं। सबसे पहले तो इंग्लैंड के महानतम खिलाड़ी माने जाने वाले केविन पीटरसन का कहना था कि रोहित मेरा पसंदीदा बल्लेबाज है, लेकिन वो आउट हुआ तो मैंने राहत की सांस ली क्योंकि यदि वो खड़ा रह जाता तो इंग्लैंड से वो पहले दिन ही मैच को बहुत दूर ले जाता। उनका विकेट चटकाना इंग्लैंड की मनोवैज्ञानिक जीत है क्योंकि रोहित इस टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी थे और अब वो आउट हो गए तो मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया पहले दिन वापसी कर पाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ शोएब अख्तर का मानना है कि रोहित का विकेट जाना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका था। वो टीम के कप्तान थे, उन्हें संभल कर खेलना चाहिए था, लेकिन उनकी आदत है सबसे अहम मौकों पर अपनी टीम को धोखा देना और आज भी उन्होंने वही किया। इंशाल्लाह मैं मानता हूँ रोहित एक महान खिलाड़ी है, लेकिन मुझे लगता है उनका समय बीत चुका है, अब उन्हें रिटायरमेंट लेकर युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है भारत में टैलेंट की कोई कमी है, उनका रिप्लेसमेंट भारत को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शोएब अख्तर को रोहित को संन्यास की सलाह देने पर तुल गए हैं। तो वहीं खुद सचिन तेंदुलकर ने रोहित को खूब फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कप्तान का काम होता है अपनी टीम को फ्रंट से लीड करना, सभी उम्मीद कर रहे थे रोहित बड़ी पारी खेलें और टीम इंडिया की जीत की नींव बिछाएं, लेकिन रोहित ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं मानता हूं मैदान में अपना विकेट देना आपके हाथों में नहीं होता है, लेकिन रोहित थोड़ा संभल कर खेल सकते थे। उन्होंने अनुभवहीन डेब्यूटेंट को अपना विकेट दे दिया, उनके रूप में टीम इंडिया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। एक बार फिर रोहित ने अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थमा दी है। इतना ही नहीं, खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पोंटिंग ने रोहित के विकेट पर कहा कि यदि मैच टेस्ट मैच के पहले दिन ही आपको रोहित शर्मा का विकेट मिल जाए तो ये आपकी जीत है। इंग्लैंड ने टीम इंडिया को निश्चित तौर पर मुसीबत में फंसा दिया है क्योंकि रोहित उनके सबसे बड़े खिलाड़ी थे, यदि वो आउट हो गए तो टीम इंडिया का मनोबल जरूर टूटा है। हालांकि मैं खुद चाहता था रोहित बड़ी पारी खेलें, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी फॉर्म बहुत खराब है, उसका ही नतीजा था कि वो इतना खराब शॉट खेलकर आउट हुए। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी का कहना था कि रोहित ने मुझे निराश किया है, वो एक महान खिलाड़ी और कप्तान है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में कप्तान की जब सबको जरूरत है उस वक्त रोहित ने हर किसी को धोखा दिया है, ये उनका अंदाज नहीं है। यदि वो मैदान में खड़े रहते तो हम पहले दिन ही आसानी से 400 रन भी बना सकते थे, लेकिन अब उनके आउट होने के बाद भारत के बल्लेबाजी क्रम को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और यदि अब भारत हार गई तो इसके जिम्मेदार भी रोहित ही होंगे। दोस्तों देखा आपने किस तरह से दुनिया भर के दिग्गज रोहित से नाराज है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित के आउट होने के बाद कौन सा बल्लेबाज शतक लगा सकता है, गिल, यशस्वी या फिर कोई और, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों विशाखापट्टनम के मैदान पर गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है, जिसमें पहले ही सेशन में भारतीय बल्लेबाजों खास तौर पर रोहित और यशस्वी जायसवाल ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से अंग्रेजों की कमर तोड़कर रख दी है। तो आखिर कैसे रोहित और जायसवाल के तूफान में उड़े इंग्लिश गेंदबाज, इस बल्लेबाज ने बनाए हैं सबसे अधिक रन और कौन है अपने शतक के सबसे करीब, कौन खेल रहा है कितने रनों पर और कितना हो गया है पहले सेशन के अंत तक टीम इंडिया का स्कोर, उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर दूसरे टेस्ट मैच से पहले की सेशन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित जायसवाल और गिल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया 2 फरवरी की सुबह विशाखापट्टनम के VDCA क्रिकेट स्टेडियम में एक नया इतिहास लिखने के इरादे से उतर चुकी थी।
सामने खड़ी थी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम और उनका कॉन्फिडेंस तो सातवें आसमान पर था। पूरे स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट का जबरदस्त घमासान देखने के लिए खचाखच भरा हुआ था। मैदान में आते ही किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की, जिनका पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही टीम इंडिया में तीन बड़े बदलाव हुए। कुलदीप यादव के साथ रजत पाटीदार और मुकेश कुमार को टीम इंडिया में शामिल किया गया। टीम इंडिया को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी। पहले ही ओवर में इंग्लैंड के लिए मोर्चा संभालने उतर चुके थे जिमी एंडरसन। उन्होंने आते ही पहले गेंद से दोनों बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिल रहा था। आखिरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला, लेकिन दूसरे ही ओवर में बेन स्टोक्स ने एक नई चला के दिखाने की कोशिश की। उन्होंने जो रूट जैसे दिग्गज स्पिनर को गेंदबाजी सौंप दी, उन्हें लगा कि पिच से बहुत ज्यादा स्पिन मिलेगी और बल्लेबाज गलती कर जाएंगे, लेकिन ऐसा करके उन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी। जहां यशस्वी ने पहली गेंद पर मैदान को चीरते हुए शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरा और जो रूट को अपने खतरनाक अंदाज में स्वागत किया। जाते जाते चौथी गेंद पर भी यशस्वी ने एक और चौका ठोककर जो रूट के साथ साथ अंग्रेजों के भी पसीने छुड़ा दिए। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने T20 के अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत कर दी थी। दूसरी तरफ कप्तान रोहित ने भी जेम्स एंडरसन के खिलाफ 3 रन तेजी से दौड़कर अपना खाता खोला और ये दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में लग रहे थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड के गेंदबाजों का जज्बा देखने लायक था। एक तरफ से जो रूट, दूसरी तरफ से जेम्स एंडरसन अपनी टीम को विकेट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। हालांकि परिस्थितियों को भांपते हुए जायसवाल और रोहित ने कोई बड़ा शॉट खेलने की गलती नहीं की और ये दोनों संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। मैदान में टिकने के प्रयास में लगे हुए थे। गेंद और बल्ले के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। पहले 5 ओवर में दोनों बल्लेबाज मिलकर केवल 14 रन जोड़ पाए, लेकिन दबाव में बिल्कुल भी ये दोनों नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि उन्होंने विकेट न देकर इंग्लिश गेंदबाजों को मुसीबत में डालना शुरू कर दिया। लेकिन दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ रहा था। इंग्लिश गेंदबाज उन्हें मौका बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, यहां तक कि दोनों को हाथ भी खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। जो रूट और जेम्स एंडरसन दोनों छोरों से टीम इंडिया पर दबाव बढ़ता जा रहा था, जिसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगले 4 ओवरों में रोहित और यशस्वी दोनों मिलकर केवल 6 रन बना पाए थे, यानी कि पहले 9 ओवरों में टीम इंडिया केवल 20 रनों तक पहुंच सकी थी। यहां सभी ने सोचा था कि ये दोनों बल्लेबाज आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन इन्होंने तो सभी की उम्मीद पर पानी फेर दिया। हालांकि टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर थी कि इन्होंने इंग्लैंड को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी, जो उन पर दबाव बनाने के लिए काफी नजर आ रहा था। पहले 10 ओवरों में भारत ने 2.3 के रन रेट से 23 रन बनाए थे। रोहित शर्मा कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे थे। आखिरकार बेन स्टोक्स को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ गया। 12वें ओवर में उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए डेब्यूटेंट शोएब वजीर को बुला लिया। उन्हें लगा था कि गेंदबाजी में बदलाव करके वह भारतीय बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं, लेकिन ये तो केवल उनकी एक गलतफहमी थी। यहां तक कि शुरुआत में ही हमेशा आक्रमण करने वाले यशस्वी जायसवाल भी आज गलती करने को तैयार नहीं थे। वह रणनीति के तहत ही बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड को वापसी का एक भी मौका नहीं देना चाहते थे। हालांकि जैसा इंग्लैंड ने उम्मीद की थी, पिच से बिल्कुल भी गेंदबाजों को स्पिन नहीं मिल रही थी, बावजूद उसके शोएब वसीर ने अपने पहले ओवर में केवल 1 रन दिया। अब तक तो दोनों बल्लेबाजों ने कोई भी आक्रामक अंदाज नहीं दिखाया, लेकिन 13वें ओवर में एक बार फिर यशस्वी ने अपने अंदाज में बदलाव किया। उन्होंने गेंदबाजी करने आए जो रूट का स्वागत एक कमाल के चौके से कर इंग्लैंड को एक और करारा तमाचा लगाया था। इंग्लैंड के खिलाड़ी अब चिंता में आ गए कि उन्हें किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, लेकिन उनका हर एक प्लान अब तक बेकार साबित हुआ था। दूसरी तरफ यशस्वी अब आक्रमण करने लगे थे। 14वां ओवर लेकर आए शोएब वसीर की चौथी गेंद पर उन्होंने इस गेंदबाज को चौके का स्वागत बताया और बता दिया कि उन्हें खराब गेंदबाजी करना कितना भारी पड़ सकता है। अपनी जुझारू बल्लेबाजी से इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को 14 ओवरों में 37 रनों तक पहुंचा दिया था। उसके बाद भी रुकना क्या होता है, ये तो उन्होंने सीखा ही नहीं। देखते ही देखते टीम इंडिया पहले 50 फिर 100 रनों के पार पहुंच गई और दिन का पहला सेशन खत्म होते होते टीम इंडिया ने पूरी तरीके से इंग्लैंड पर शिकंजा कसा हुआ था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया या दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दूसरे टेस्ट मैच में उतरते ही भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। एक के बाद एक कई चौके लगाकर पहले ही सेशन में पूरा इतिहास पलट दिया। तो आखिरकार कैसे रोहित और जायसवाल की जोड़ी ने मैदान पर मचाया धमाल, कैसे पहले ही सेशन में नतमस्तक हुए इंग्लैंड के गेंदबाज, किस खिलाड़ी ने बनाए कितने रन, किसने ठोका है तूफानी शतक, कौन खेल रहा है कितने रनों पर, कितना हो गया है टीम इंडिया का स्कोर, कैसे भारतीय ने पहले टेस्ट मैच में मिली हार का बदला पहले सेशन में ही ले लिया, सब कुछ हम आपको इस मैच की पूरी हाईलाइट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जीत की तलाश में दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारत एक बार फिर इंग्लैंड के सामने विशाखापट्टनम के मैदान पर उतरी। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हर मैच की तरह इस मैच में भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी भारत की पारी को शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर फेंकने जेम्स एंडरसन आए, लेकिन एंडरसन की शुरुआत बेहद खराब रही। लगातार 2 गेंद लेग स्टंप के बाहर फेंके। वहीं यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा काफी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने ओवर की अंतिम गेंद पर एक सिंगल लेकर टीम इंडिया का खाता खोला। लेकिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक ने चालाकी दिखाते हुए दूसरा ही ओवर अपने स्पिन गेंदबाज जो रूट को फेंकवाते हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने उनकी पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रोकने का नाम नहीं लिया। जो रूट
शूट की चौथी गेंद पर भी जायसवाल ने बेहतरीन अंदाज में कवर ड्राइव लगाते हुए एक और चौका जड़ दिया और भारतीय टीम के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाने लगे। जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के खिलाड़ी पूरी तरीके से हैरान रह गए थे। खुद कप्तान बेन स्टोक को भी समझ नहीं आ रहा था कि टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए एंडरसन की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार शॉट लगाकर 3 रन बटोरा और अपना खाता खोला। इंग्लैंड के गेंदबाज भी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिए थे, एक तरफ से एंडरसन तो दूसरी तरफ से जो रूट लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में केवल 14 रन ही बन पाया था। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल भी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने आए एंडरसन ने रोहित शर्मा को खूब परेशान किया। पहले तो उन्होंने LBW आउट की अपील करी, फिर उसके बाद अपनी चौथी गेंद पर ऐसा चकमा दिया कि रोहित खुद समझ नहीं पाए। रोहित शर्मा बाल बाल विकेट गंवाने से बच रहे थे, वहीं इंग्लैंड के कप्तान लगातार विकेट की तलाश कर रहे थे, लेकिन रोहित और जायसवाल मैदान पर सेट हो चुके थे।